दोस्तों, बीपी लो की अगर आपको समस्या रहती है, यानी कि रोज रोज आपका बीपी लो हो जाता है, आपका काम करने का जी नहीं चाहता है, तो आप तुरंत इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। आपका बीपी लो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए रोज नई नई वीडियोस लेकर आते हैं, नई नई जानकारी लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। तो हमें लेना है 1 गिलास पानी, जैसा आप पीते हैं अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लीजिए, और इसमें आपको लेना होगा नींबू, और हमें लेना है हमारे घर में जो नमक इस्तेमाल होता है वो लेना है, और हमें लेना है चीनी। तो आइए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। सबसे पहले तो हम 1 गिलास पानी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। चीनी डाल ली है हमने, और दूसरी चीज आपको लेना है इसमें नमक, जो सादा वाला नमक होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल लीजिए। नमक भी डाल लिया है हमने। अब हमें चीनी और नमक को जो है पानी में अच्छे से घोलना होगा। तो दोस्तों, जब तक कि हमारी चीनी घुल ना जाए, नमक घुल ना जाए, हम अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका बीपी लो हो रहा है, आप बहुत सुस्त सुस्त हो रहे हैं, काम करने का जी नहीं चाह रहा है, बस ऐसा लगे आंखें बंद करके लेटे रहें, तो फटाफट से उठिए और इसको किचन में जाके बनाइए और पी लीजिए। आपका तुरंत बीपी लो जो है ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए, चीनी और नमक को हमने अच्छे से घोल लिया है, थोड़ा सा बचा है इसको और चला लेते हैं। और इसके बाद में हम लेंगे इसमें नींबू, तो हमें आधे नींबू का इसमें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, नींबू को हम जो है बीच में से कट कर लेते हैं। नींबू बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मुश्किल से मिले। तो हम इसमें जो है नींबू को, आधे नींबू को इसमें डाल लेते हैं। ये पीने में टेस्टी भी होगा और आपके बीपी लो की जो समस्या है आपको वो भी ठीक हो जाएगी। तो आधे नींबू का सारा रस हम इसमें डाल लेंगे और आप इसको अच्छे से घोल लीजिए। तो इसको अच्छे से घोलने के बाद में आप इसको पी जाइए। आप इसको, मैं तो कहती हूँ, दिन में 2 से 3 बार बना के पीजिए। चीनी, नमक और नींबू का घोल ये आपके बीपी लो की समस्या को ठीक कर देगा। और ये देखिए, इस तरीके से नुस्खा तैयार है पूरी तरह से। आप इसको बनाइए और पी लीजिए। तो आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, नहीं तो आप 1 बार जरूर पिए। जब भी कभी आपको बीपी लो की समस्या हो तो आप इसको तुरंत बनाइए और पी लीजिए।